integrate polynomial, the integration of any rational function is reduced to integration of a proper rational function. The rational function which we shall consider here for the integration purpose will be those whose denominator can be factorized into linear and quadratic factor. तो हमें जो क्यू एक्स है डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर या तो लीनियर होने चाहिए या क्वाड्रेटिक, तभी हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन के। वही हमने बताया था रूट या तो हमारे, अब जैसे ये क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे जो मेरी डिग्री है डिनोमिनेटर की इस तरह से ये है मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर पार्शियल, उसमें तो ये होता ये एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है, डिग्री है यहाँ पर ऊपर एक्स एक्स की पावर जीरो दैट इज वन और यहाँ नीचे एक्स की पावर टू, तो कैसा हो गया ये प्रॉपर हो गया। तो एक क्वेश्चन तो अपने आप में यही हो गया कि हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो ये तो हमने वहाँ बताए थे आपको टाइप वन टू थ्री फोर फाइव, फिर उसका क्या हो रहा है ये इंट्रीगल हो रहा है, उसका क्या हो रहा है ये इंट्रीगल हो रहा है। तो पहले हम इसके जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है उसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो दोनों हमारे कैसे हैं ये डिस्टिंक्ट हैं एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। तो हम फर्स्ट जो टाइप बताया था मैंने ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, तो कॉमन एलसीएम आ गया एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन। अब मैंने पुट कर दिया इसमें, अब इसने तो एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट कर रहा है बट हम जो है इसमें वन इक्वल टू माइनस और माइनस टू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा ये वन इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू क्या हो गई वन हो गई, जब माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस टू दैट इज वन, और तो बी की वैल्यू माइनस वन हो गई। तो देखो ये ए अपॉन ए की जगह क्या रख दिया मैंने वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस बी, बी की वैल्यू वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, तो ये जो है हम इस वाले फैक्टर को इस वाले पार्शियल इस वाले उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया कि ये हो गया इसका मतलब कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको लिख दें हम वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, बोलिए कैन बी रिटन यस सर। अब ये क्या बन गया वन अपॉन एक्स बन गया, तो ये बन जाएगा हमारा लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी वन, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी वन, यही आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया? यस सर। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन आने चाहिए थे, पार्शियल फ्रैक्शन हमने आपको बता दिए, पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं, फिर इंटीग्रल ही हो गया। वैसे आप इसको बिना पार्शियल की हेल्प से नहीं कर पाते, समझ में आ रहे ना? आपका क्वेश्चन तो ये है वन अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू डी एक्स, तो इस इंटीग्रल कैसे करेंगे आप? बोलिए कौन सा बोलो
जब तक हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं जानेंगे तो इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते हम, वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो है वन अपॉन एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस टू। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पार्शियल फ्रैक्शन फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। यस सर, यस सर। देखो यही क्वेश्चन आंसर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर टू देखो, तो क्वेश्चन नंबर टू में बेटा डिग्री कितनी है, नॉमिनेटर की डिग्री कितनी है? अरे बोलो, है क्या सर? क्या बोल रहे हो? हाँ सर, वॉइस भी क्रैक हो रही है, स्क्रीन फ्रीज हो गई, स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर। स्क्रीन फ्रीज हो गई है? अरे जब मैं तुमसे पूछता हूँ तो स्क्रीन को फ्रीज करने लगते हो। स्क्रीन तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई है। अब दिखाई दे रहा है? नो सर, व्हाइट स्क्रीन शो हो रहा है। हेलो, ब्लैक स्क्रीन शो, आपको व्हाइट दे रहा है? यस सर। तो है, हाँ भाई, अब दिखाई दे रही है स्क्रीन? नो सर, नो सर, नो सर, नहीं दे रही। किसी भी बच्चे को दिखाई नहीं दे रही? 71 स्टूडेंट है। नो भाई, नो सर, क्वेश्चन नंबर 2 में कितनी डिग्री है जो है नॉमिनेटर की? और डिनोमिनेटर की? तो अब ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, कैसा फंक्शन हो गया ये? इम्प्रॉपर, और सेम डिग्री है। तो पहले हमें इसको प्रॉपर में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं? बाय डिवीजन मेथड। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, कितनी बार गया? वन बार। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया आपके पास 5x प्लस का और माइनस के 5। बोलिए इसमें क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बोलो। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 dx प्लस 5x माइनस 5 अपॉन dx। इसका तो आपको इंटीग्रल पता है x प्लस, अब देखो ये क्या बन गया हमारा, कौन सा फंक्शन बन गया? प्रॉपर, क्योंकि अब x की डिग्री कितनी है नॉमिनेटर में? 1, डिनोमिनेटर में कितनी है? 2। तो अब इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए भी पहले हमें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स को फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस
5x plus Answer. He says goodbye to his favorite and takes care of her every inch of the day. And his grandma's inheritance. Finally, it's the day of family reunion. They pray together, but no one prays for his grandma. Mine was also planting seeds on this day. Grandma lost a sum of money and found out that her mother was stolen. Oh, you took the mic on. Yeah, Chandra. As her condition worsened, Grandma left the house to her uncle, Ah, and went to question Grandma, but didn't realize that she was already in tears. Later, Grandma became alone again. Seeing the house being empty, Ah, and felt a deep sadness. So he took her back and accompanied her on her last journey. At the funeral, Ah, and received a phone call. It turned out that Grandma had left him a large Harshit? Yes, sir. माइक क्यों ऑन कर रखा है और क्या तुम्हारा चल रहा है सर नेटवर्क इज फ्लक्चुएटिंग बेटा ये तुम्हारा दुनिया ये क्या चल रहा है इसमें जो है अपना माइक ऑफ करो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स क्योंकि ये बन जाएगा माइनस फाइव एक्स हमने पहले एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस थ्री यहाँ से टू कॉमन ले लिया ये हो गया एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन 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 एक्स स्क्वायर माइनस फाइव फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू बोलो लिख सकता हूँ बोलिए बच्चे यस सर अब फिर इसके पार्ट्स हो जाएंगे ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री तो यहाँ से हो जाएगा फाइव एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस थ्री प्लस बी x माइनस टू एक बार तो x इज इक्वल टू टू पुट कर दो एक बार थ्री तो जब x इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो क्या आएगा टू फाइव जो टेन टेन माइनस फाइव फाइव और जब टू पुट करेंगे तो b वाला जीरो ये टू तो माइनस के a तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस के फाइव अब जब थ्री रखेंगे तो फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस फाइव टेन और जब थ्री रखेंगे तो ये जीरो ये थ्री तो b तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इंटीग्रल a a मतलब क्या है मेरा a की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन क्या है बेटा x माइनस 2 प्लस b यानी 10 अपॉन x माइनस थ्री इंटू डी एक्स बोलिए क्लियर ये क्या हो गया x और प्लस के टेन log x माइनस थ्री log x माइनस टू प्लस सी वन बोलिए हेलो यस यस सर यस जी सर समझ में आ गया यस सर बोलिए समझ आ गया सर फाइव को पहले कॉमन ले लिया अब तो कोई बात नहीं कैसे फाइव को कहाँ पर अभी कॉमन कहाँ लिया हूँ तो
ए की वैल्यू माइनस फाइव है ना, बी की वैल्यू टेन, मैं लिख दिया हूँ फाइव वाले को बाद में लिख दिया हूँ क्योंकि माइनस था जी सर। अब इसे लॉग एम अपॉन द्वारा एक्स माइनस फाइव लॉग एक्स माइनस टू प्लस लॉग माइनस थ्री प्लस सी सेम द्वारा सर आवाज नहीं आ रही है बोलो भाई काफी आवाज नहीं आ रही काफी साउंड में आया ये कह रहा हूँ बेटे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन सॉल्यूशन, यस पूरा सॉल्यूशन रिपीट करूं, अभी कर देता हूँ। जो लिखा है उसी को एक बार बता दो। बता रहा हूँ बता हाँ बेटे, ये क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो ये जो हमारा वो है फंक्शन है वो कैसा है, इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेटर की डिग्री भी टू है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी टू है, तो हमें इससे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, बाय डिवीजन। तो हमने ये डिवीजन को क्या लिख, इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। बोलिए ये बात समझ आई, बोलिए भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, यस सर, डिवी बाय डिवीजन। और ऐसा क्यों करा है, क्योंकि ऊपर भी नॉमिनेटर की डिग्री टू है और नीचे भी डिग्री टू है, तो हम इस ये जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो पहले मैंने इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवीजन मेथड। अब देखो इस वन का इंटीग्रल तो हो जाएगा वन डी एक्स, फिर आ गया ये प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन दिस, तो ये का इसका तो हो गया एक्स। अब इसके में x की डिग्री बने या डिग्री पर रेशनल फंक्शन। अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन के हमको जो है पहले पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज, किसमें, लीनियर फैक्टर में। तो हमने इसका लीनियर फैक्टर देखा, डिनोमिनेटर का x माइनस थ्री और x माइनस टू आ गया, तो हमने इसको क्या लिखा, माइनस फाइव अपॉन x माइनस टू प्लस टेन अपॉन x माइनस थ्री dx। अब ये माइनस फाइव तो बाहर ले लिया, log x माइनस टू ये वाला लिख दिया, प्लस टेन log x माइनस थ्री, और ये x है ये हमारा, और प्लस के c1। बताइए अब जी सर, समझ आया? यस सर, सर फाइव कॉमन चले आगे, हाँ कॉमन ले सकते हो,
सर उसके बाद कोई दिक्कत हाँ ये भी लिख सकते हो बहुत सारे तरह के आंसर ठीक है ये भी आ जाएगा लॉग लॉग एक्स माइनस थ्री की पावर टेन अपॉन एक्स माइनस टू की पावर फाइव प्लस सी वन ये भी आंसर हो जाएगा बोलो यस सर चले बेटे आगे चले आगे तो देखो यही आंसर आ रहा था उसका ठीक है अब ये क्वेश्चन करो 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 ये बोलो जी सर सर यस सर यस सर कितनी डिग्री है ऊपर डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है लीनियर लीनियर 1 1 1 ऊपर पूछ रहा हूं ना पहले ऊपर बताओ ना डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1 है सर 1 है सर अरे इसमें डिग्री कितनी है बेटे इसमें 1 और नीचे डिग्री कितनी है नीचे नीचे 3 नीचे 3 है सर 3 क्योंकि 3 तो ये रही 1 ये रही जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो कैसा हो गया ये फंक्शन ये फंक्शन कैसा हो गया बेटे प्रॉपर अब प्रॉपर है तो इसके क्या करने पड़ेंगे हमको पहले पार्शियल फ्रैक्शन ये प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये तो इसके लिए हो गया रिपीटेड के लिए सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है यस सर वॉइस आपकी अच्छे से नहीं आ रही बी की वैल्यू क्या आ गई 5/2 बोलिए क्लियर अरे कहाँ चले गए बच्चों गायब सर वॉइस कट रही इसी वजह से सर वॉइस कट कर रहा बोलो किसी को सुनाई नहीं आ रही वॉइस सर अब आ रही है सब आ रही है सर अब आ रही है सर आ रही है पर बीच में क्रैक हो रही है सर नेटवर्क की दिक्कत है बेटे तुम्हारी तरफ भी दिक्कत है क्या जी सर
स्क्रीन फ्रीज हो गई सर, सर वॉइस भी नहीं आ रही है, वॉइस भी नहीं आ रही सर। हेलो यस सर, हम बेटे हमारी क्लियर आवाज, यस सर अब आवाज आ रही है, यस सर चलिए तो हम तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब इसमें हमारा क्या है कि 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, तो ये वाला तो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है ट्वाइस टाइम, और ये डिस्टिंक्ट है। तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास, जब एलसीएम लेंगे x प्लस 1 x प्लस 3 b x प्लस 3 c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ बेटे,
एक बार तो x इज इक्वल टू माइनस वन, एक बार माइनस थ्री और एक बार जीरो. तो जब x इज इक्वल टू मैंने माइनस वन रखा, तो जब माइनस वन रखा तो क्या हो गया, माइनस के थ्री माइनस के टू यानी माइनस के फाइव. एक बार मैंने क्या रखा, x इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस के थ्री माइनस के टू माइनस के फाइव, ये जीरो ये जीरो, तो यहाँ रखा माइनस वन, तो ये हो गया प्लस के टू बी. तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के फाइव बाई टू. अब x इज इक्वल टू माइनस थ्री रख दो, जब माइनस थ्री रखेंगे तो हो जाएगा तीन तीन नौ, माइनस के नौ माइनस के ग्यारह. कुछ ज्यादा ही नेटवर्क खराब.
हेलो हाँ सर अब क्लियर है आवाज यस सर यस सर यस सर चलिए मैं अब फिर स्टार्ट करता हूँ आंस हेलो यस सर यस सर यस सर आप अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को यस सर अब आ रही है अब जरा वो yes, पहले पार्सल फंक्शन बोलो क्या था पूरा ये सॉल्व करता हूँ क्या था बताओ जरा ये वाला ये 3x माइनस 2 यस सर ठीक है इक्वल्स टू 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और क्या है जी x प्लस 3 स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा स्क्रीन शेयर है ये स्क्रीन नहीं दिख रही है सर तो ब्लैंक आ रहा है ना स्क्रीन शो कर रही नेट ही नहीं आ रहा कितनी स्पीड आ रही है भैया सर अपना कैमरा बंद कर लीजिए उसमें भी नेट चला गया होगा सर कैमरा तो बंद ही है पर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही अब बेटे अब कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे इसमें उस दिन सलमान को उसको मैंने कहा था साबिर को ये भी नहीं चल रहा कैसे मैं बताऊं पास ना तो वाईफाई चल रहा ना ये चल रहा
सर सर नहीं आएंगे क्या? अभी तो आए नहीं, तो सर नहीं आएंगे अब क्या? मतलब टाइम हो गया है, अब 11 बजने वाला है। अटेंडेंस ले लेते यार, क्विक करते क्लास को। अटेंडेंस हो जाए, सब तो ले जाओ, कोई दिक्कत ना। अटेंडेंस एनआईटी का यही है सर, अभी वाईफाई चलता ही नहीं, एयरटेल का वाईफाई लगाए होंगे। आदिति तुम्हारा माइक ओपन है?
लगता है सर ने भाई अटेंडेंस कैसे होगी, ऐसी लीव कर दें क्या? दो मिनट रुक जाओ भाई, दो मिनट दो मिनट में सारा दस सही है चैट में प्रेजेंस से लीव कर देंगे। चैट पे अटेंडेंस भेज दे क्या बोल, चैट में प्रेजेंस से लिख के लीव कर दो। फिजिक्स की क्लास शुरू हो गई भाई, लीव करना पड़ेगा। नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे लगता है हमको। मैम लिखा है उसपे आईआईटी रोड की ओरिजिनल्स का मतलब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलो लीव कर दो सब लोग। हेलो बोल रहे हैं सर को मैसेज कर लो यार, अटेंडेंस का क्या होगा यार? सब लोग चैट में लीव कर दो। आज की अटेंडेंस भूल जाओ और क्या। टाइमिंग क्या रहेगी मंडे वही प्रॉब्लम नहीं मिलता
स्कूल है, थोड़ा ना है।